जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अंतर जनपदीय 448 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के भीतर भी 600 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है तथा 448 पुलिस कर्मी का जनपद के बाहर तबादला किया गया है। एसएसपी ने कहा कि जनपद के सभी पुलिस कर्मी रविवार को अपने अपने थानों और कार्यालय पर श्रमदान करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जी, इसमें जनपद में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अंतर जनपदीय हमने कई ट्रांसफ़र किए हैं और जनपद के अंदर भी कई ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें कि करीब 600 पुलिसकर्मी जनपद के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं और 450 पुलिसकर्मी जनपद के बाहर जाएंगे ट्रेन स्थानांतरण पर। इसके अलावा वो पुलिसकर्मी जो पूर्व में कई अनुशासनात्मक कार्यवाही जिनके ऊपर हुई है, जो मुकदमों में लिप्त रहे हैं, उनकी सूची बनाकर उनको भी जनपद से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। पूरे जनपद में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों का पिछले एक महीने में ट्रांसफ़र हुआ है और कुछ समय तक ये कार्यवाही जारी रहेगी। कई लोग बाहर से हमारे जनपद में आ रहे हैं, उनका भी आगमन रहेगा और सभी को पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सही स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है लगातार। कल रविवार है, इसमें सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस लाइन अपने अपने कार्यालयों में श्रमदान करें और जो डेंगू हैं, डेंगू की बीमारी को देखते हुए मच्छरों का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए साफ़ सफाई करें, कूलर रुका हुआ पानी हो उसको हटाएँ और जो मच्छर हटाने के लिए जो छिड़काव है वो किया जाएगा। ये कल कार्यक्रम रखा जाएगा।